सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट ज्ञान को और साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी MP4 फाइल, जो वीडियो फाइल होती है, उसको किस तरीके से MKV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग ये बताऊंगा कि आप डिफ़ॉल्ट साउंड जो होता है, जैसे कि आपने डुअल ऑडियो वीडियो डाउनलोड करी, एक मूवी की इंग्लिश मूवी आपने डाउनलोड करी डुअल ऑडियो में, लेकिन जैसे ही आप उसे LED TV पर देखते हैं तो उसमें वही साउंड प्ले होती है जो उसकी डिफ़ॉल्ट साउंड होती है। यानी कि डिफ़ॉल्ट साउंड इंग्लिश है तो इंग्लिश प्ले होगी, हिंदी है तो हिंदी प्ले होगी। कई बार हम डाउनलोड करते हैं तो डिफ़ॉल्ट साउंड इंग्लिश हो जाती है, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। हम उसको कैसे हिंदी में देखें? कुछ TV ऑप्शंस देते हैं कन्वर्ट करने का, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास कन्वर्जन फाइल होनी चाहिए ऑटोमेटिकली आपके फोल्डर में, जिस फोल्डर में मूवी पड़ी हुई है, वरना वो ऑडियो कन्वर्ट नहीं होता है, यानी कि ऑडियो चेंज नहीं होता है। तो उस केस में आप छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डिफ़ॉल्ट साउंड को चेंज कर सकते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट ऑडियो को चेंज कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, इसका नाम है MKV टूलनिक्स। ये सॉफ्टवेयर आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है जहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस सॉफ्टवेयर को खोल लेंगे। ये इस तरीके से खुलेगा। सबसे जो पहला ऑप्शन है मर्ज, हमें से उसी को सिलेक्ट करना है, इसके अलावा किसी को सिलेक्ट नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ मूवी डाउनलोड करी हुई है। दिस एनाबेल, ये एक डुअल ऑडियो मूवी है और ये MKV फाइल है। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि किस तरीके से आप MP4 फाइल को MKV में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक MP4 फाइल द कंजूरिंग डाउनलोड की है, ये देखिए। इसको मैं प्रॉपर्टीज़ खोल के दिखाता हूँ आपको। ये VLC मीडिया प्लेयर में ये MP4 फाइल है। इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ MKV फाइल में? हमें ये सॉफ्टवेयर MKV टूलनिक्स खोल लेना है। उसके बाद नीचे जो ऐड फाइल्स है उस पर क्लिक कीजिए। आप वो फाइल चूज़ कर लिए जो फाइल आपको कन्वर्ट करनी है। मैंने ये फाइल चूज़ कर ली, द कंजूरिंग। जैसे ही आप फाइल चूज़ करेंगे उसकी सारी डिटेल आपके सामने लिख के आ जाएगी। ऑडियो कौन सा है, उसमें हिंदी है। अगर यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों होते, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा होता, इसमें सिर्फ हिंदी है इसलिए हिंदी लिख के आया है। और उसकी सारी डिटेल, ये किस टाइप की फाइल है, MP4 फाइल है। अब हमें क्या करना है, इसका आउटपुट देखना है। आउटपुट देखिए, फाइल का टाइटल आप चाहें तो दे सकते हैं, द कंजूरिंग मैंने इसमें दे दिया है। इसके बाद ये कहाँ पर सेव होगी, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। फाइल का नाम दे देता हूँ, द कंज्यूरिंग। और ये किए द कंज्यूरिंग डैट MKV। अब मुझे सिर्फ ये स्टार्ट मक्सिंग, ये जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया है, ये देखिए प्रोसेसिंग चल रही है और हो गई कंप्लीट। विद इन ए सेकेंड ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, आपकी न्यू फाइल आपको मिल जाती है। हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये नई फाइल मेरी बन के आ गई। उसका एक्सटेंशन क्या है, MKV। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं MP4 से MKV में। अब मैं आपको दूसरा थिंग दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफॉल्ट साउंड को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वही प्रोसेस जो अभी किया था। मैं ये डिलीट मार देता हूँ, मुझे दूसरी फाइल चाहिए इसलिए। यहाँ से मैं ऐड फाइल्स करूँगा और मेरी ये दूसरी फाइल है जो मैंने डाउनलोड करी है, एनाबेल। ये देखिए, ये डुअल ऑडियो में है, MKV में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी फाइल ये MKV में है और ये डुअल ऑडियो में है। मैंने इसको कर लिया। अब ये देखिए, इसमें ऑडियो फॉर्मेट दिखाएगा आपको।
ऑडियो ऑडियो, एक ऑडियो इसमें हिंदी है, एक ऑडियो इसमें इंग्लिश है, ठीक है। यहां देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये डुअल ऑडियो कौन सा है, डिफॉल्ट ऑडियो कौन सा है। अब आपको क्या करना है, इसमें ये इंग्लिश ऑडियो है, इसको बंद करना है। बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, यस लिखा है यहाँ पर, नो आना चाहिए। इसके लिए आप राइट हैंड साइड में ऊपर जाइए जहाँ प्रॉपर्टीज लिखा है, मक्स दिस ट्रैक, इस पे यस की जगह आप नो कर दीजिए बस। जैसे ही आप नो करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पर यस इंग्लिश ट्रैक नो हो चुका है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है इस पे, कहीं भी कोई भी क्लिक मत कीजिएगा। अब आप देखेंगे ये फाइल आपकी सेव कहाँ होगी, आउटपुट में जाएंगे, आउटपुट में आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फाइल का नाम नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी क्लिक नहीं करना है, बस आपको स्टार्ट मार्किंग पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, प्रोसेसिंग चल रही है, काफ़ी तेज प्रोसेस चलता है ये, और ये फाइल आपकी कन्वर्ट हो गई। इसका नाम है एनेबल, ठीक है। अब आप, मैंने आपको ये तो दिखाया नहीं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका डिफॉल्ट साउंड क्या था, इसका डिफॉल्ट साउंड क्या था। चलिए प्ले करके देख लेते हैं। ये वो फाइल है जो कन्वर्ट होने से पहले थी, और ये वो फाइल है जो कन्वर्ट होने के बाद है। तो कन्वर्ट होने से पहले जो फाइल है, हम उसको प्ले करके देख लेते हैं। I guess they are. They are. And then they learn to talk. I guess that's a no on Phyllis. लिफ्ट के लिए शुक्रिया पीट। कोई बात नहीं जॉन, तुम मिया और होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम डिफॉल्ट ऑडियो को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते।